हेमा सिंह वाहिनी सुनिए मेरी पुकार, हाथ जोड़ पैया परूं करे दे दया एक बार। सुमिरन है सिंह वाहिनी, सुमिरन है बजरंग, सुमिरन है माँ सारी दे जिनकी कृपा मेरो संग। भाई नहीं विद्या नहीं हाथ कछु, ना ही बुद्धि अपार, मोदक प्रिय संतन सुखद तुम्हें एक आधार, मोदक प्रिय संतन सुखद तुम्हें एक आधार। कहते हैं कि कथा कीर्तन जिस घर नहीं, कथा कीर्तन अरे जिस घर नहीं, संत नहीं महिमा। पड़े समसान। संतों का कहना है कि जिस घर में संत का सम्मान नहीं होता, मेहमान नहीं मानते हैं, उस घर में समझ लीजिए जम का पहरा हो गया, शमशान माना जाता है। और तो संत का भाव है कि संत सताए तीनों जाए तेज बल और बाण। इसलिए कहते हैं कि बिन सत्संग कि बिन सत्संग विवेक न हो। देखें एक समय की बात है, एक मुनिवर मारीच नाम के तपस्वी ब्राह्मण थे, छह पुत्र हुए महाराज जी, छह पुत्र हुए, पूर्व जन्म का ज्ञान था,
जन्म लिया, समझदार हुए, जाकर के जंगल में छेव बैठ कर भगवान का भजन करने लगे। छेव जाकर के जंगल में राजकुमार भगवान का भजन करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी को गुजरना पड़ा उस रास्ते से। कहते हैं कि किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उसके शरीर के ढंग के ढांचे को, पहनावे को देख करके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। ब्रह्मा जी निकले और ये छह बालक जो तपस्या में लीन थे, ब्रह्मा जी को देख करके अनायास हंस दिए। जब हंस दिए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, तू मुझे देख करके हंस रहा है, तू इस देव रूप में अशोभनीय लगता है, अरे जा पापी, जा करके धरती पर मृतलोक में राक्षस योनि में जाकर के जन्म लो। ब्रह्मा जी ने गुस्से में श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया वो छह बालक धीरे धीरे देखे, वो छह बालक काली नेम के पुत्र कहलाते हैं, खड़गर्भ नाम से जन्म लेते हैं, लेकिन तपस्या का प्रभाव, पूर्व जन्म का ज्ञान था, पुनः जाकर के जंगल में बैठ करके तपस्या करने लगे। काली नेम राक्षस था इसलिए तपस्या, भगवान का भजन उसे शोभा ना दिया, काली नेम ने भी श्राप दे दिया कि तू यहां भी रहने योग्य नहीं है, अगला जन्म जाकर के हिरण्यकश्यप ये छह बालक मरीच के खड़गर्भ के बाद में हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान था, पुनः तपस्या में लीन हो गए। हिरण्यकश्यप को भी बात जची ना। आपने कई प्रकार से कथाएं सुनी होंगी भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। बात कहा गया कि संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। आज हिरण्यकश्यप ने जब श्राप दिया कि जाओ द्वापर युग में तुम देवकी के पुत्र से, देवकी के गर्भ से पैदा होगे। एक छोटी सी कहानी मिलेगी आपको। कन्हैया जी के जन्म उत्सव में आपने सुना होगा कि छह बालक को मार दिया जाता है, सातवें और आठवें की चर्चा सब लोग कथा में करते हैं, लेकिन छह बालक ये जो मार दिए जाते हैं, क्यों मार दिए जाते हैं, क्या कारण था, तो ये सब नारद का काम था। इन छह बालकों को मुक्ति दिलाना था और जाकर से कंस से कैसी कैसी बातें बताया था, आप लोग इस कथा में सुनेंगे। कहते हैं कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए और चंद्रमा से बुध हुए, बुध से पूर्ववा हुए और पूर्ववा से आयु हुए और आयु से नौस हुए और नौस से ययात हुए। ऐसे ऐसे ये पीढ़ी चलती गई और ययात के वंश में वसुदेव जी अवतार लेते हैं और जब युवा होते हैं तो वसुदेव जी की शादी देवकी से होती है, जो कि
राजा देव की पुत्री हैं और कंस अपनी उस चचेरी बहन को विदा करने के लिए जब विदा करने के लिए जाता है तो आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, तू जिस बहन को बहुत खुश होकर के विदा करने जा रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा कि इसी के गर्भ से आठवें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। जब इतनी बात कंस सुनता है, रथ को रोक देता है। रथ को रोक देता है, हाथ में तलवार ले लेता है बहन को मारने के लिए। बसदेव जी पैरों में गिर जाते हैं, ये क्या कर रहा है? अभी अभी अपने बहन को विदा कर रहा था खुशी से, ये कारण क्या है? कहा, तुमने आकाशवाणी में नहीं सुना? इसी के गर्भ से आठवें पुत्र के द्वारा मेरी मौत होगी। कहा, आठवें पुत्र के द्वारा होगी ना? कोई बात नहीं है, आठवां पुत्र आपको मिल जाएगा, जो इच्छा होगी आप वही कर देना, आठवें पुत्र को मार देना। बात कुछ समझ में आई, कंस ने कहा ठीक है। और इतने में नारद जी बीड़ा करता लिए कि भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद जी आगे बीड़ा करता लिए और एक हाथ में कमल का पुष्प लिए कंस के पास गए। कहा, कंस तू इनकी बातों में आ गया, अरे तुझे क्या मालूम कि कौन पहला है कौन आठवां है? उस कमल की पंखुड़ी से एक एक करके इधर से उधर, उधर से उधर उल्टा सीधा गिनाया, कहा इसमें कौन पहला मानोगे कौन आठवां मारोगे? कहा, हाँ बात तो नारद जी आप ठीक कहते हैं, ले जाकर के इसे काल कोठरी में बंद कर दो और जब तक आठवां पुत्र जन्म नहीं ले लेंगे तब तक मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बस देव को और देवकी को ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया जाता है। नारद जी का मकसद था कि ये छह बालक आज कई जन्म से परेशान हैं, इनको मुक्ति कैसे दिलाया जाए, सो अपना काम बना लिए नारद जी। आज धीरे धीरे पहले गर्भ की बारी आती है और वो छह पुत्र जिनको श्राप मिला था उनमें से एक पुत्र का जन्म हुआ और कंस को जब दिया गया तो कंस ने उसे मृत के घात उठा दिया। धीरे धीरे दूसरा बालक भी उतार लिया, उसे भी मृत के घाट उतार दिया, तीसरा भी वैसे, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी। आज ये खड़गर्भ को जीवन मुक्ति मिल गई और इधर जब सातवें की बारी आई तो योग माया के बल से सातवें गर्भ का हरण किया गया और ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में डाला गया और रोहिणी के गर्भ से मां सर्वेश्वरी, मां सर्वेश्वरी जन्म लेती हैं और इधर धीरे धीरे जब आठवें की बारी आती है तो समय से पहले, क्योंकि
भ्रमित करना था कंस को, तो समय से नहीं समय से इधर उधर कन्हैया ने आकर के कारागार के मजार में अवतार लेते हैं। बोल सौर्य सरकार की। इधर कन्हैया का जन्म होता है और इधर सखियां मिलकर के गीत गाती हैं कि भादो की काली आधी रात कान्हा जन्मे, कन्हैया जी का अवतार हुआ। सखियां सहेली मिलकर के गीत मंगल गा रही हैं, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं और इधर वसुदेव और देवकी मिलकर के स्वागत कर रही हैं कि हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, स्वागतम कृष्णा कृष्णा हरि, शरणागतम कृष्णा गतम कृष्णा कहा, शरणागतम कृष्णा हा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, और इधर कुछ सखियां मिलकर के कन्हैया को पालना में झुला रही हैं। वो क्या गाती हैं? कितन धीरे अरे तन धीरे झोंका दे जोरे कन्हैया झूले पालना, धीरे झोंका दे जोरे कन्हैया झूले पालना, तने धीरे झोंका दे जोरे कन्हैया झूले पालना, काहे को अब बनोरे पालना,
काहे को अब बनोर पालना काहे को भला काहे को बनल डोर रे कन्हैया झूले पालना काहे को बनल डोर कन्हैया झूले मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि भला गोकुल में झूले झूलना कन्हैया झूले पालना झूले पालना कन्हैया झूले पालना कन्हैया झूले कन्हैया झूले पा तनी धीरे झोंका दे जरे कन्हैया झूले पालना रतन जड़ित को बनर पालना रतन जड़ित को बनर पालना रतन जड़ित को बनर अरे सत्य की लागी डोरी रे भला सत्य की लागी डोरी रे कन्हैया झूले गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा भले यामे कारे कारे यामे कारे कर लाला कन्हैया झूले कन्हैया झूले पालना कन्हैया झूले पालना कन्हैया झूले पालना तनी धीरे झोंका दे जरे कन्हैया झूले पालना तनी धीरे झोंका दे जरे।
सावरे सरकार की, बोल देवा सूर्या वाले की, भैले श्याम सुंदर दास की।